आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर।
अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई
योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है।
अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपने दिवंगत करने के पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल जान जोखिम में डालते हैं। नुकसान झेलने के बाद पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण विशिष्ट खुश नहीं है। योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने अरुण ने विफल अपनी रहा। वर्दी, जिसके परिवार, उसके दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी अपहरण हो जाता लेकिन है उसके और पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना विमान में पाकर सिस्टम हैरान अपहरण करता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है।
अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं
कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद
उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर।
अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई
योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है।
अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं
कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरणकर्ता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरणकर्ता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरणकर्ता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद
उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर।
अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई
योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है।
अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं
कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद
उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर।
अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई
योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है।
अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं
कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद
उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर।
अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई
योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है।
अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं
कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद
उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभद्रताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभद्रताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभद्रताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर।
अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई
योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है।
अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं
कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद
उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणामस्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर।
अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई
योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है।
अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं
कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद
उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अभर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर
अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई
योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहरित विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है।
अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है। आतंकवादियों द्वारा एक यात्री विमान का अपहरण करने के बाद उसमें सवार एक ऑफ ड्यूटी सैनिक अपहर्ताओं को हराने और इंजन के विफल होने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। एक अपहृत विमान को सुरक्षित करने में विफल रहने और भारी नुकसान झेलने के बाद सिस्टम कमांडिंग ऑफिसर अरुण कात्याल को उनकी विशिष्ट इकाई योद्धा टास्क फोर्स का बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप अरुण ने अपनी वर्दी, परिवार, दोस्तों और अपनी पत्नी को खो दिया। वर्षों बाद एक और उड़ान का अपहरण हो जाता है और अरुण को बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में विमान में पाकर सिस्टम हैरान रह जाता है। सभी साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि अरुण उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। क्या अरुण सचमुच देशद्रोही है या वह वही देशभक्त है जो उसके पिता बनाना चाहते थे? यह सब एक उच्च ऑक्टेन एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है, आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अरुण कात्याल अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र कात्याल द्वारा शुरू की गई योद्धा टास्क फोर्स से संबंधित है। वह कभी भी आतंकवादियों की मांगों पर बातचीत करने में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा बचाव कार्यों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी पत्नी प्रिया हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के कारण उनसे खुश नहीं है। अमृतसर फ्लाइट हाईजैक अरुण प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुज नायर को बचाने में विफल रहा, जिसके बाद उसके दस्ते को निलंबित कर दिया गया। वर्षों बाद अरुण एक विमान में सुरक्षा प्रभारी है, लेकिन उसके पुराने सहयोगियों और मंत्रालय का मानना है कि अरुण ही वास्तविक अपहरण करता है।
Thank you.